अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं सीए परीक्षित भदादे चैरिटी फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। भदादे चैरिटी फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैरिटेबल फाउंडेशन इज टू इनरिच द नॉलेज ऑफ सीए फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे हम सीए स्टूडेंट्स के लिए और सीए मेंबर्स के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। कोई कुछ टॉपिक्स हम कवर करते हैं, टेक्निकल सेमिनार जस्ट लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, बैंक ऑडिट्स। इसके अलावा हम कवर करते हैं वर्कशॉप जहाँ पे हम देते हैं एक्सेल, टैली, लीडरशिप प्रोग्राम्स। इसके अलावा हम थर्ड सेगमेंट भी लेते हैं भदादे चैरिटी फाउंडेशन में, जहाँ पे हम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव करने के लिए काफी कुछ कोशिश करते हैं, जैसे लीडरशिप प्रोग्राम हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, बुक रीडिंग। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज से हम सीए स्टूडेंट्स का एक ओवरऑल मैनेजमेंट और थ्योरेटिकल एजुकेशन विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी का एक छोटा सा प्रयास हमारा आज का सेमिनार है। जैसे आज अप्रैल मंथ शुरू होने वाला है और अप्रैल मंथ बोला कि सब लोगों की मेन पॉइंट होता है बैंक ऑडिट। सीए फर्टर्निटी में अप्रैल का जो फर्स्ट वीक या फर्स्ट फोर्थ नाइट होता है, इसमें बैंक ऑडिट सीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बैंक ऑडिट पे एक सेमिनार लेके आ रहे हैं। जो आज का हमारा सेमिनार है उसका मेन टॉपिक ये बैंक ब्रांच ऑडिट। सो फ्रेंड्स, बैंक ऑडिट क्या होता है, किस तरह से उसमें कवरेज हो सकता है, किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज बैंकिंग ऑडिट इज अ वेरी स्पेशलाइज एक्टिविटी। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीए स्टूडेंट्स को टैक्सेशन का काफी एक्सपोजर होता है, मीनिंग दैट इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका काफी नॉलेज होता है। और ये सब ऑडिट बैक एंड पे ऑफिस लेवल पे होते हैं, जहाँ पे आपको आपके सीनियर्स का टेक्निकल एक्सपर्टाइज डायरेक्टली मिल सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, बैंक ब्रांच ऑडिट इज अ वेरी स्पेशलाइज स्किल। ये एक अलग फॉर्मेट है बैंकिंग का, कि जहाँ पे आपको अलग अलग सेगमेंट देखने हैं। तो अगर आपको बैंक ब्रांच ऑडिट करना है और ये ऑडिट फील्ड लेवल पे होता है, मीनिंग दैट यू हैव टू डायरेक्टली डील विद द ऑडिट स्टाफ, मीनिंग दैट कि आपको बैंक मैनेजर हो, बैंक ऑफिसर हो, या फिर पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो पर्टिकुलर सेगमेंट का जो इंचार्ज है, उससे डायरेक्टली डील करना है। ही इज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम लास्ट 20 to 30 इयर्स। ही इज हैविंग द वेरी एक्सपर्टाइज इन हिज वर्क। और अपन लोग या फिर सीए स्टूडेंट्स ये नए से आ रहे हैं, सो नए पर्सन ने आके उनका 20 ईयर का एक्सपर्टाइज या फिर वही काम वो रूटीनली कर रहे, उनको क्यूरी निकालना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आपने बैकग्राउंड वर्क या फिर होमवर्क अच्छे से नहीं किया है। तो ये बैंक ब्रांच ऑडिट में हम काफी कुछ डिटेल में लेने वाले हैं कि बैंक ब्रांच ऑडिट में कवरेज क्या क्या है, देन आपको बैकएंड पे क्या क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपका ऑडिट अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से आपका ऑडिट माइंडसेट होना चाहिए। तो लेट्स फ्रेंड्स, आज का हम सेमिनार शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे बैंक ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जैसे मैंने कहा, बैंक ऑडिट में ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है। यहाँ पे आपको बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन और स्टैट्यूटरी एंगल से क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन आते हैं कि आपका जो बैंकिंग का बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं पे इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस मिल रहे हैं। तो आपको ये इशू करना है मेन ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज इसेंशियल फ्रॉम द एंगल ऑफ स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट। कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट, एलएफएआर। काफी ऑडिटर्स या फिर स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन या फिर मिसकन्फ्यूजन होता है कि ऑडिट रिपोर्ट और एलएफएआर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एलएफएआर इज फ्रॉम द एंगल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। कि आरबीआई ने एलएफएआर का एक क्वेश्चनायर फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो एलएफएआर का क्वेश्चनायर ब्रांच लेवल पे जाता है। ब्रांच लेवल पे इस पे अपने को एज अ ऑडिटर वी हैव टू वेरीफाई दिस एलएफएआर क्वेश्चनायर कि ब्रांच लेवल पे इसके कंप्लायंसेस हो रहे नहीं हो रहे। पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चनायर्स में बैंक के लेवल पे कुछ कंप्लायंसेस पेंडिंग है क्या, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली सेटअप है या नहीं है, देन वी हैव टू पुट अवर रिमार्क्स। ये रिमार्क्स सेंट्रल लेवल पे जाते हैं, देन सेंट्रल ऑडिटर से, मैंने बताया कि बैंक में दो ऑडिटर होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होता है जो कंसोलिडेट करता है ब्रांच ऑडिटर को। तो एलएफआर में जो भी ऑब्जर्वेशन हम डालेंगे वो सेंट्रल ऑडिटर उसको कंप्लाई करेगा, और वो कंप्लाई करने के बाद ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को भेजेगा कि ऑडिट कमिटी को कि ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। देन ऑडिट कमिटी बोर्ड जो ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ में मैनेजमेंट के क्या रिप्लाईज है, मैनेजमेंट का क्या रेक्टिफिकेशन लेवल है, ये दोनों कंप्लाई करने के बाद वो आरबीआई को सेंड करेंगे।
मीनिंग दैट LFR इज अ मैनेजमेंट एक्टिविटी कि जो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली सेट है या नहीं, कहीं पे कोई इंटरनल वीकनेस लग रहा है नहीं लग रहा है. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द मेन ऑडिट रिपोर्ट. कहीं पे भी आपको ऑडिट ऑडिट में अगर कोई मेजर क्वालिफिकेशन मिलता है, कोई एडवर्स रिमार्क मिलता है विच इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बैंक ब्रांच, देन यू कैन मेन क्वालिफाई योर मेन ऑडिट रिपोर्ट. कमिंग टू द टू रिकमेंडेशन, दो कमिटीज थी जिलानी और घोष, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन बताए थे, तो वो ब्रांच लेवल पे कंप्लाई हो रहे नहीं हो रहे वो चेक करना है. जस्ट प्रिकॉशनरी वर्ड बताऊंगा मैं यहाँ पे कि ये दोनों जो सर्टिफिकेट है, दिस टू आर सर्टिफिकेट नॉट योर ऑडिट ओपिनियन. सो सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि दिस इज अ ट्रू एंड करेक्ट एस्पेक्ट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो दो फॉर्मेट्स है ये बैंक मैनेजर खुद ही यस नो फिल करके रख देता है, और एज अ ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू अपने को वो चेक करना है कि वो कंप्लायंस हुआ ही नहीं हुआ है, एंड वी हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट. अगर आप जब उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि दैट प्लेन यस और नो वी कैन नॉट मेंशन. तो जहां जहां जरूरत है जो जो कंट्रोल आपने चेक किए हैं वो कंट्रोल मेंशन करिए, और उसके साथ में एक ऑडिट आपका सर्टिफिकेट के साथ में आप एक ऑब्जर्वेशन जोड़ सकते हो कि दैट पर्टिकुलर कंट्रोल पॉइंट्स वी हैव वेरीफाइड एंड वी आर गिविंग अ सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. और जहां पे आपको जरूरत लग रही है वहां पे आप इसके लिए मैनेजर का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो और वो आपके रिकॉर्ड पे रख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ सर्टिफिकेट नॉट अ ऑडिट ओपिनियन. कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल इन द बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट में मेजर पार्ट होता है सर्टिफिकेशन. तो आपको एज अ पार्ट ऑफ योर स्टैट्यूटरी असाइनमेंट आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट साइन करके देने होते हैं. नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ द सर्टिफिकेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्टिफिकेट जब बैंक मैनेजर तैयार करता है तो आखिरी दिन तक वो बनाते रहता है, और लास्ट डे ऑफ योर ऑडिट वो आपको बोलता है सर इस पे साइन करना है, और आपका ऑडिट हो गया है. तो यहाँ पे विदाउट वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट यू शुड नॉट साइन इट. सो व्हाट ऑडिट अप्रोच यू शुड टेक फॉर द सर्टिफिकेशन वेरीफिकेशन, तो आपको यहाँ पे अप्रोच रखना है कि जो भी सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं ये एक्टिविटी आपके टीम मेंबर में से किसी एक मेंबर को साइन कर दीजिए, कि दैट दिस 40 or 35 or 45 सर्टिफिकेट बैंक के हिसाब से क्या क्या सर्टिफिकेट्स है, तो ये 45 सर्टिफिकेट आपको साइन करने हैं. आस्क अ मैनेजर कि जब भी आपका प्रिपरेशन हो जाता है ये सर्टिफिकेट मुझे दीजिए, देन ऑन विच रिकॉर्ड ये सर्टिफिकेट्स आपने बनाए वो रिकॉर्ड दीजिए, बिकॉज कोई भी सर्टिफिकेट्स बन रहा है तो उसके पीछे उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो वो रिकॉर्ड आप चेक करिए कि ये रिकॉर्ड किस पे से बनाया हुआ है, इसके लिए कोई CBS रिपोर्ट अवेलेबल है क्या, कोई रजिस्टर अवेलेबल है क्या, ब्रांच मैनेजर ने जब सर्टिफिकेट बनाया है तो क्या प्रोसेस फॉलो करिए, आपको वो प्रोसेस समझना जरूरी है. वो प्रोसेस समझने के बाद आपको चेक करना है कि जो हेड ऑफिस के सर्कुलर है या फिर RBI के सर्कुलर है या फिर सर्टिफिकेट में क्या रिक्वायरमेंट थी वो प्रॉपरली कंप्लाई करिए नहीं करिए. उसके बाद आपको एक बार सेटिस्फेक्शन हो गया है कि ऑथेंटिसिटी लेवल बराबर है, सर्टिफिकेट्स आर ट्रू एंड करेक्ट, देन एंड देन ओनली यू कैन साइन. और इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई रिकॉर्ड आपका अवेलेबल नहीं हुआ है तो आप उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बैंक ऑडिट इज IROC नॉर्म, इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स. यहाँ पे RBI का मास्टर सर्कुलर है, RBI के मास्टर सर्कुलर हिसाब से आपको क्या करना है कि NPA चेक करना है, नॉन परफॉर्मिंग असेट. तो ये अगर आप बैंक ऑडिट की बात करो तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज यहाँ पे बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की NPA लेवल डेविएट हो सकती है अगर आपको कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन मिलते हैं तो. देन द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर MOC, मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस. तो ये क्या होता है, बैंक मैनेजर इसके लिए काफी डरता है, बैंक मैनेजर में काफी कंफ्यूजन है कि उनको लगता है कि MOC दिया मीन्स उनके कैरेक्टर या फिर उनके लिए कुछ तो बैड रिमार्क मिल गया उनके सर्टिफिकेट पे, पर ऐसी कोई बात नहीं है. MOC इज वेरी कॉमन टर्म, तो MOC क्या होता है, किस तरह से उसको देना चाहिए और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो भी हमने कवर किया. एंड द लास्ट वन इज फिजिकल वेरिफिकेशन. बैंक ऑडिट एक एक्टिविटी है वेरिफिकेशन की, जहाँ पे हम इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर रहे हैं, तो उसी के साथ में आपको कुछ चीजें फिजिकल वेरीफाई करनी होती है, जैसे कैश, देन ATM में की कैश, सिक्योरिटी आइटम्स. तो कौन कौन से फिजिकल वेरिफिकेशन करने चाहिए, और उसके अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, कोई मिसिंग मिलते हैं तो उसका रिपोर्टिंग करना. तो ओवरऑल बैंक ब्रांच ऑडिट इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो ये सब चीजें अगर आप चेक कर रहे हो तो आपका बैंक ऑडिट कंप्लीट हो सकता है. कमिंग टू द अभी मोस्टली मुझे बिगिनर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या फिर जो स्टाफ है वो मुझे पूछता है कि सर बैंक ऑडिट करना है तो कैसे करना है.
क्या क्या प्रिपरेशन करनी है हमको, फिर कैसे जाना है, कैसे प्लान करना है, क्या उनको पूछना है। तो यहाँ पे मैंने एक समराइज फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करी कि आपको बिफोर गोइंग टू द ब्रांच ये सब चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसको चेक करना है कि अपॉइंटमेंट लेटर प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कि अपॉइंटमेंट लेटर की टर्म्स क्या है। टर्म्स में आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखनी है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपके ब्रांच में है या नहीं है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये कुछ ही ब्रांचेस को एप्लीकेबल होता है। अगर वो आपकी ब्रांच उसमें सिलेक्ट है उस सैंपल्स में, तो आपको वो चेक करना है, याद से चेक करना है। अगर उसके लिए रहा तो उसके लिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपको अलग से इश्यू करना है, उसका वेरिफिकेशन अलग से करना है, और उसके लिए आपको जो मेन स्टैटूटरी रिपोर्ट साइन करते हो उसके साथ में एनेक्चर ए भी साइन करना है, जिसके लिए इसके लिए आप सर्टिफिकेट दे रहे हो या फिर ओपिनियन दे रहे हो कि ये सब कंट्रोल्स प्रॉपरली है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल गाइड भी लाया हुआ है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। देन एक्सेप्टेंस लेटर, जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर में जो जो डिक्लेरेशन दी है, जो जो अंडरटेकिंग दी है, वो आपको सिग्नेचर करके एक्सेप्टेंस करना है और वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजना है। इसी के साथ में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऐसे ऑब्जर्व होता है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ब्रांच ऑडिटर नहीं भेजते हैं। एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज टू बी कंपल्सरी टू बी इश्यूड बाय द ऑडिट फर्म टू द ऑडिटी। नाउ व्हाट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का मतलब होता है कि इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द बैंक। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेज सकते हो। बिकॉज दिस असाइनमेंट इज वेरी फिक्स वन, तो इंस्टीट्यूट ने इस पे गाइडेंस नोट में बताया कि इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट क्या हो सकता है। और अगर आपको इसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स ऐड करने की आपकी इच्छा है तो आप वो ऐड करके भी भेज सकते हो। देन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में दो पार्ट है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर ब्रांच अलॉट हुए, तो आपको जो इसके लिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर अलग से इशू करना है। तो आपको दो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इस केस में भेजना होगा। नाउ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर किसको भेजना चाहिए? तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो आपको इशू करना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, जिसने आपको अपॉइंटमेंट दी है उस अथॉरिटी को आपको ये लेटर भेजना है। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज और भी है, क्या उसको एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है क्या? नॉर्मल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर अगर आप कोई दूसरे क्लाइंट के लिए भेज रहे हो या फिर दूसरे असाइनमेंट भेज रहे हो, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। बट कंसिडरिंग दिस अ वेरी प्रिस्क्राइब लेवल, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, NOC इशू एंड एक्सेप्टेंस। तो NOC इशू करना जरूरी है या नहीं है? सर ये असाइनमेंट तो एम्पैनल में थ्रू आती है, RBI अपॉइंटमेंट करती है, अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, हर साल अपॉइंटमेंट चेंज होती है, तो ये केस में NOC इशू करना जरूरी है क्या? द आंसर इज यस, यू हैव टू इशू द NOC। देन NOC एक्सेप्टेंस क्या है? जैसे अगर पिछले लास्ट ईयर में अगर आपने कोई ब्रांच अपॉइंट ऑडिट करी थी और उसके उस ऑडिटर ने, इस साल का जो ऑडिटर है उस ब्रांच का, उसने अगर आपको NOC भेजा है, तो एज ए गुड प्रैक्टिस आपको उसका NOC एक्सेप्टेंस भेजना है कि हमने उसका आपका NOC एक्सेप्ट किया हुआ है। देन कम्युनिकेशन विद द ब्रांच, जैसे आपको ब्रांच अलॉट होती है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देखना है कि आपको ब्रांच से कम्युनिकेट करना है कि ब्रांच के सेगमेंट क्या है, ब्रांच किस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है। जैसे अगर आपको कोई रूरल ब्रांच अपॉइंट हुई है तो मेजर एडवांसेस होते हैं एग्रीकल्चर। अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अगर ब्रांच मिली है तो उसमें मेजर एक्सपोजर होता है बिजनेस और CC प्रपोजल्स। अगर आपको कोई रिटेल ब्रांच मिली है तो उसमें मेजर फोकस हो सकता है हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। तो आपको ब्रांच से कम्युनिकेट करना है कि ब्रांच का सेगमेंट क्या है, ब्रांच किस एरिया में डील कर रही है। देन ब्रांच में डिपॉजिट क्या है, ब्रांच में फॉरेक्स बिजनेस है क्या, देन ब्रांच कोई स्पेशलाइज एक्टिविटी कर रही है क्या, ये आपको चेक करना है। इसके बाद में बैंक का NPA लेवल क्या है, बैंक में कोई स्पेशल ऑडिट्स हुए क्या, ये आप ब्रांच से कम्युनिकेट करके इंक्वायरी कर सकते हो। इससे आपको ऑडिट प्लानिंग करने में काफी मदद हो सकती है कि अगर आपके ब्रांच में अगर मेजरली हाउसिंग लोन है तो आपको हाउसिंग लोन का प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा जो स्टाफ वेरीफाई करने वाला है, किस तरह से सैंपल लेने, क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है, हाउसिंग लोन की प्रोसेस क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपको मेजर फोकस करना है। अगर आपकी ब्रांच अगर इंडस्ट्रियल लेवल की है तो आपको बिजनेस प्रपोजल किस तरह से वेरीफाई करना है, वहां पे आपको गाइडेंस देना पड़ेगा। देन ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर, को ऑडिट में जाने के बाद कौन कौन से एरिया चेक करना है, कौन कौन से रजिस्टर वेरीफाई करना है,
क्या क्या रिकॉर्ड्स लगने वाला है आपको, सीबीएस से कौन कौन से रिपोर्ट जनरेट करने, ये बिफोर हैंड आपको ब्रांच को कम्युनिकेट कर देना है। बिकॉज ऑडिट जो है आपको एक वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में करना होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द बैंकों का जो लिमिट होता है वो 8 अप्रैल, 10 अप्रैल या 12 अप्रैल हो सकता है। सो 10 से 12 दिन में आपको 2 ब्रांचेस कवर करनी है, तो आपके पास टाइम लिमिट कम है। और आप वहां पे जाने के बाद अगर ब्रांच को बोलते हैं कि हमको ये रिपोर्ट चाहिए, तो बैंक मैनेजर शुरुआत करता है कि ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है मुझे पता नहीं, फिर मुझे बात करना पड़ेगा हेड ऑफिस में, मुझे बात करना पड़ेगा रीजनल ऑफिस में, वो 1 से 2 दिन ये रिपोर्ट्स निकालने में लग जाते हैं। तो आपको जो जो रिपोर्ट चाहिए वो एज अ ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर आप ब्रांच को पहले बिफोर हैंड कम्युनिकेट कर दीजिए, और उनको बताइए कि ये सब रिकॉर्ड्स आप प्रिपेयर करके रखिए, जो कि हम ऑडिट प्रॉपर विद इन अ टाइम हम कंप्लीट कर सके। तो इस सब पे मैंने यूट्यूब वीडियोज में इसके जो फॉर्मेट्स है इसके इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट मैंने दिए हुए, तो अगर आपको किसी को रेफरेंस करना है तो आप रेफरेंस कर सकते हो। देन MRL, MRL means a management representation letter. It is a written representation from the branch manager. So as a institute norms, अगर आप audit report sign कर रहे हो तो it is a duty of you to take a MRL from the management कि क्या क्या इसमें issues है। MRL मतलब written representation होना चाहिए। इसके draft format, illustrative format institute ने दिए हैं, तो आप आपके audit requirement के letter के साथ में ही branch को MRL का format दे सकते हो। तो MRL का फॉर्मेट आप जब दे रहे हो उनको, तो ये सजेस्टिव फॉर्मेट हुआ, तो ब्रांच को बोल सकते हो कि ये फॉर्मेट आपको निकाल के इसको प्रिंट करके साइन करके देना है। बट ड्यूरिंग ऑडिट अगर आपको और भी कोई एक्सप्लेनेशन लेना है, और भी कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है ब्रांच से, तो वो सब फॉर्मेट आप MRL में ऐड कर सकते हो, और उसके बाद जब आप ऑडिट कंक्लूड कर रहे हो तब उस पर सिग्नेचर ले सकते हो। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट टीम प्लानिंग। सर ये तो सब सब ही बात हो गई है, हमको रिक्वायरमेंट, हमने गाइडेंस नोट पढ़ी हुई है, हमने अलग अलग वीडियोस देखे, बट एक्चुअल टीम किस तरह से प्लान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा गाइडेंस दूंगा। अगेन ऑल दिस इज इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट, आपको आपके ब्रांच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टीम प्लान करनी चाहिए। बट जनरली 4 से 5 लोगों की अगर टीम है आपकी, जिसमें एक ऑडिट पार्टनर विद अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ क्वालिफाइड स्टाफ, और प्लस उसके सपोर्ट में सीनियर स्टाफ और जूनियर स्टाफ, अराउंड नॉर्मल बिजनेस बैंकिंग की अगर ब्रांच मिल रही है आपको, तो 4 से 5 स्टाफ मिलकर ये काम अच्छे से हो सकता है। नाउ हाउ टू अलोकेट द वर्क बिटवीन डिफरेंट स्टाफ, तो यहाँ पे ऑडिट पार्टनर हो सकता है। तो ऑडिट पार्टनर ने काम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऑडिट पार्टनर का काम है मेजरली लीड करना चाहिए आपने ऑडिट को। इसके बाद में सेकंड मैन जो रहेगा आपके ब्रांच में, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डॉक्यूमेंटेशन और सैम्पलिंग मेथड्स। Then he has a work of coordination between the all staff. उसी का काम होगा कि advances verification करना चाहिए, NPA check करना चाहिए। इसी के साथ में third staff जो है वो housekeeping area check कर सकता है पूरा, कि cash segment, bank balance, certification work, then deposit segment, then miscellaneous areas कर सकता है। और एक staff आपका काम कर सकता है CBS level पे, तो CBS में से क्या क्या reports निकल सकते हैं, उसका कोई exception report निकल सकता है क्या, अपना जो डाटा इनपुट करना है वो प्रॉपरली हुआ नहीं हुआ, बिकॉज द बैंक में होल एक्टिविटीज इन द CBS सिस्टम, तो CBS में काफी कुछ रिपोर्ट जनरेट हो सकते हैं। और CBS रिपोर्ट के अगर आपको रिपोर्ट अच्छे से जनरेट करते आ रहे, स्टेटमेंट जनरेट करना है, तो आपका काम जो है वो काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो बैंक ऑडिट में मैं एक सजेस्ट करूंगा कि एक पर्सन देखेगा कंप्लीटली CBS सिस्टम से रिलेटेड, तो किसी को भी कोई अगर आउटपुट निकालना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, वेरिफिकेशन करना है सिस्टम में, तो वो पर्टिकुलर पर्सन देखेंगे। वन पर्सन विल हैंडल द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एवरीथिंग, वन पर्सन विल वेरीफाई द एडवांसेस, एंड द ऑडिट पार्टनर विल बी द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन ऑल ऑफ अस। उनको गाइडेंस करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, ऑडिट सैम्पलिंग डिसाइड करके देना है, और उन्होंने जो वेरीफिकेशन किया उसका मैनेजर के साथ में डिस्कशंस करके फाइनलाइजेशन करना है। तो इस तरह से आप ऑडिट टीम फाइनलाइज कर सकते हो।